Good morning, all of you. Today, I Chhavi Gupta welcome you all in this session. In the previous session, we have completed the chapter Fiber to Fabric and the ncr exercise. Now, it's time to start our new chapter that is Electricity and the Circuit, or you can say Electric Current and the Circuit One. Okay, so we will start our topic What is a Current? What is a Current? Is current kya class? हम इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट की बात करें तो करंट क्या होता है करंट क्या है बेसिकली फ्लो ऑफ पार्टिकल्स हैं क्या है फ्लो ऑफ पार्टिकल्स हैं जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेंगे सो so दैट आपका इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर प्रोड्यूस हो लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके एयर करंट्स होते हैं एयर करंट्स में क्या होता है आपका विंड्स फ्लो करते एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो उससे क्या होता है एयर की स्पीड कम या ज़्यादा होती है तो सेम वे में आपका करंट होता है सो व्हेन पार्टिकल्स फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एक पाथ में अगर एक पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं तो क्या प्रोड्यूस करेंगे आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे एंड इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट ओके नाउ When the current is being produced, we have two types of charges. because of that only current is produced. Aga charges to current produce produced So for that, we have two types of charges that is a positive charge and the negative charge. The positive charge is denoted by a plus sign and the negative charge is denoted by a negative sign. okay now, what will happen when the charge is flowing so it will produce a current. सो बेसिकली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ सर्किट सर्किट के अंदर अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो रहा है सो इट विल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट इट विल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट सी द फ्लो ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने तरह के थे दो प्लस एंड माइनस मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव सो जब ये फ्लो करते हैं तब तभी आपका क्या प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है द डायरेक्शन इज टेकन फ्रॉम द पॉजिटिव अब किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा वो कैसे निकालेंगे हम इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल सपोज दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल सो यहाँ से करंट जो आएगा और कहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा आपका नेगेटिव पे आके ख़त्म हो जाएगा क्लियर है ऑफ द बैटरी इन एन एक्सटर्नल सर्किट नाउ अब हम पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल की बात करते वहाँ पे तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता क्या है क्लास आज आपने बैटरी देखी है सी आपने यहाँ पे देख रहा है आपको एक सेल इस सेल में क्या दिख रहा है आपको एक प्लस साइन दिख रहा है एंड एक नेगेटिव साइन सो दिस वन इज़ नोन एज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस वन इज नोन एज नेगेटिव टर्मिनल नाउ दैट वॉज अ पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल अब हमें क्या देखना है कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है एक सेल क्या होता है एक सेल क्या, क्या है एक सोर्स ऑफ पावर है जो इंटरनल रिएक्शंस कराता है जैसे रिवर्सिबल चेंज और इ रिवर्सिबल चेंज था तो ए रिवर्सिबल चेंज क्या था जो चेंज रिवर्स नहीं हो सकता वापस नहीं आ सकता तो वहाँ पे जो चेंज हो रहा था आज केमिकल चेंज एंड वो क्यों क्योंकि वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं सो इंटरनली सेल में जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो क्या करा रहा है आपको एक चेंज प्रोड्यूस करा रहा है वो चेंज उससे क्या हो रहा है आपका एक्चुअल में करंट फ्लो कर रहा है एंड वो किसके अंदर हो रहा है एक सेल के अंदर हो रहा है ठीक है तो एक सेल के एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जो एक इलेक्ट्रिक करंट के अंदर केमिकल को प्रोड्यूस करता है नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ टर्मिनल्स इन अ सेल जैसे भी आपको दिखाया था सपोज दिस इज योर सेल सो हेयर वी हैव अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड हेयर वी हैव अ नेगेटिव टर्मिनल सो द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल इज पॉजिटिव वन एंड द नेगेटिव वन सो इन अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर हमें रिप्रेजेंट करने है पॉजिटिव टर्मिनल कैसे दिखाएंगे सो वी विल यूज दिस बिगर साइन ये हमने जो बड़ा साइन लिया है आपका दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल ना नेगेटिव टर्मिनल को हम छोटे साइन से दिखाएंगे किससे दिखाएंगे छोटे साइन से दैट मीन्स दिस इज़ द बिगर वन एंड दिस इज़ द स्मॉलर वन सो द बिगर वन ये जो बिगा वन होता है आपको इसको हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल एंड द स्मॉलर वन इज़ नोन एज द नेगेटिव टर्मिनल ओके नाउ इन ऑर्डर फॉर करंट टू फ्लो द पॉजिटिव टर्मिनल मस्ट बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल अब अगर आपको करंट फ्लो कराना है तो वॉट यू नीड कि ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो एंड दिस पोलैरिटी मस्ट मतलब ये डिफरेंस मेंटेन होना चाहिए सो so, अब बेसिकली एक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज इन दिस वे

now what is a battery battery kya hota class basically a combination of cells a combination of cell is known as battery now this is your first cell you are joining this first cell to an another cell so you are joining one cell to another cell it is forming a battery now next you can see that in this just a minute इन दिस यू कैन सी दिस इज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल सो दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव दिस नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एनदर सेल ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल यही अभी हमने पीछे पड़ा था कि हम सेल के पॉजिटिव को सेल के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे ताकि करंट फ्लो करें तो सेम वे आर डूंग ओवर हेयर कि हम सेल के पॉजिटिव को सेल के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे फॉर मेकिंग अ बैटरी अगर आप प्लस प्लस कनेक्ट करेंगे तो बैटरी फॉर्म नहीं करेगा और अगर फॉर्म हो भी गई तो वर्किंग कंडीशंस में नहीं आएगा सो ऑलवेज रिमेंबर कनेक्ट अपोजिट साइंस माइनस टू अ प्लस वन दिस माइनस टू एंड ए द्लस वन ओके दिस माइनस टू एंड ए द प्लस वन यू कैन सी कि माइनस इज कनेक्टेड टू अ प्लस वन एंड प्लस इज कनेक्टेड टू अ नेगेटिव साइन सो वॉट वी आर डूइंग वी आर कनेक्टिंग सेल्स टूगैदर सो दे आर फॉर्मिंग अ बैटरी तो बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी So, if we want to represent a battery, what we will do? This is a bigger one, this is a smaller one. So, this is a positive terminal, this is a negative terminal. Next, another cell, same, this is a positive terminal, this is a negative terminal. Now, again, positive and negative, this is a positive terminal, and this is a negative terminal. So, we have connected three cells together this is a first cell, this is a second cell, and this is the

तो उसमें आपने क्या किया था ऐसी बैटरी यूज़ की थी ऐसा कोई स्ट्रक्चर यूज़ किया था दैट इज़ योर बैटरी क्यों क्योंकि यहाँ पे दो सेल्स कनेक्टेड हैं सो दैट कि आपकी वो थोड़ा वर्क ज़्यादा करें या फिर आपने देखा होगा इन्वर्टर्स में ऐसा लगा हुआ होता है कुछ सो दीज आर योर बैटरीज जिसमें सेल्स को कनेक्ट करते हैं हम ताकि हमें क्या मिले ज़्यादा वोल्टेज मिले ओके क्लास सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ बैटरी एंड वाट इज़ अ सेल सेल सिंगल होता है सेल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है आपका बैटरी बनता है नाउ अब बेसिकली अब हमें सर्किट के बारे में पढ़ना तो सर्किट से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टर्म्स सेल हमने पढ़ लिया बैटरी हमने पढ़ लिया करंट हमने पढ़ लिया चार्जेस पढ़ लिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल पढ़ लिया नाउ द नेक्स्ट वन इज अ की की क्या होता है क्लास अ काइंड ऑफ अ स्विच क्या होता है की एक स्विच जैसे कोई घर में आपके हाउसेस में एक स्विच लगा होता है टू ओपन द लाइट टू स्विच ऑफ द लाइट आप यही बोलते हो दैट मीन्स आपके पास वो स्विच का एज अ की की तरह वो कर जिससे करंट फ्लो कर रहा है एंड करंट फ्लो नहीं करता सो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ की एंड ओपन की एंड अ क्लोज की फाइन ओपन की मीन्स कि आपने स्विच को ऑफ कर दिया ताकि करंट फ्लो ना करे एंड द क्लोज की मीन्स कि आपने स्विच को ऑन किया सो दैट द करंट कैन फ्लो थ्रू इट ओके सो ओपन की की रिप्रेजेंटेशन दो ब्रैकेट्स बीच में कुछ नहीं एंड क्लोज की दो ब्रैकेट्स बीच में डॉट एंड बोथ द साइड लाइन ओके प्लीज की, की रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखना क्लास नाव अब हमने आपको समझा दें क्या क्या होता है नाव वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द सिम्बल्स दैट वी मस्ट रिमेंबर्ड वाइल मेकिंग अ सर्किट डायाग्राम द फर्स्ट वन इज अ सेल सेल का क्या था बिगर वन फॉर पॉजिटिव एंड द स्मॉलर वन इज फॉर नेगेटिव तो सिंगल प्लस एंड माइनस इज नोन एज अ सेल बैटरी में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस यूर कनेक्टिंग थ्री सेल्स टूगेदर नाउ नेक्स्ट वन इज क्लास ये जो आपको बीच में लाइन दिखी है दिस इज नोन एज कनेक्टिंग वायर्स दिस इज नोन एज कनेक्टिंग वायर्स नेक्स्ट इज प्लग की और स्विच ओपन है दैट मीन्स करंट फ्लो नहीं कर रहा नाव प्लग की और स्विच क्लोज दैट मीन्स की इंसर्टेड है आपने की को अंदर लगाया है एंड स्विच करंट फ्लो कर रहा है वायर ज्वाइंट कि आपने कहीं पे दो वायर्स को आपस में ज्वाइन किया जैसे दिवाली पे हम वायरस ज्वाइन करते हैं वायर क्रॉसिंग विदाउट जंक्शन ज्वाइनिंग एक दूसरे के ऊपर वायर क्रॉस कर जाए नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक बल्ब या तो आप बल्ब को ऐसे रिप्रेजेंट करो या फिर बल्ब को बना के क्लियर है सो दीज आर द दिंबल्स एट यू नीड टू रिमेंबर फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक डायग्राम एंड दिस सिम्बल शुड बी ड्रॉन ऑन अ ब्लैंक शीट ब्लैंक पेज है जो आपकी कॉपी का वहाँ पर ड्रॉ करना आपको ये ओके नाउ अब हमने की पढ़ लिया हमने स्विच पढ़ लिया हमने अपर टर्मिनल्स पढ़ लिया कनेक्टिंग वायर्स पढ़ लिया बल्ब पढ़ लिया नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड वॉट इज सर्किट हम कह रहे हैं कि सर्किट में करंट फ्लो कर देगा सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा सो वॉट इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है नाउ सी एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है क्लास एक ऐसा पाथ एक ऐसा पाथ जिसमें करंट फ्लो करता है एंड द पाथ शुड बी क्लोज क्लोज मीन्स की सारी वायर्स आपस में कनेक्ट होने चाहिए बैटरी से वायर्स कनेक्ट होने चाहिए स्विच कनेक्ट होना चाहिए एंड बल्ब ग्लो करे अगर बल्ब ग्लो करके तो दैट मीन्स वो सर्किट वैलिड है और सही है आपका ओके नाओ नेक्स्ट इज वॉट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ क्लोज पाथ फ्रॉम विच द करंट टेक्स और फ्लोर्स इज नोन एज एन इलेक्ट्रिक सर्किट ना यू कैन सी वी हैव अ स्विच ओवर हेयर ना वी हैव अ बैटरी ओवर हेयर यू कैन सी दिस इज अ प्लस साइन दिस इज़ अ नेगेटिव साइन ओके नो अगेन दिस इज अ प्लस साइन एंड दिस इज़ अ नेगेटिव साइन यू कैन सी दैट थ्री सेल्स आर ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म अ बैटरी ना यू हैव स्विच ऑन आपने स्विच ऑन किया बैटरी से करंट फ्लो करेगा कहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से एंड देन जब भी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करे तो कहीं पर भी वायर्स ये जो आपकी पिंक कलर की ग्रे कलर की वायर्स दिखाई है कहीं पर भी अनवाइंड नहीं है कहीं पर भी जुड़ी कहीं पर भी खुली हुई नहीं है तो अल्टीमेटली क्या है करंट पूरा बंद हो गया पाथ पूरा क्लोज हो गया जब पाथ पूरा क्लोज हो गया तो अल्टीमेटली क्या होगा आपका ये बल्ब ग्लो कर जाएगा लाइट बल्ब का मतलब ये है कि यहाँ पे करंट आ रहा है एंड बल्ब ग्लो कर रहा है सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड वॉड्यून बाई इलेक्ट्रिक सर्किट अ क्लोज पाथ फ्रॉम विच द करंट कैन फ्लो कम्प्लीटली इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट एंड प्लीज ड्रॉ द डायग्राम फ्रॉम ब्लैंक शीट्स ओनली क्लास नाउ हमें सर्किट पढ़ा अब वी नीड टू अंडरस्टैंड वॉट आर द टाइप्स ऑफ सर्किट अब हमारे पास कौन कौन से सर्किट्स होते हैं सो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ सर्किट्स द वन इज एन ओपन सर्किट द सेकेंड वन इज अ क्लोज सर्किट ओके ना वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन सर्किट एंड द क्लोज सर्किट नाउ सी द फर्स्ट वन इज अ क्लोज सर्किट द फर्स्ट वन इज अ क्लोज सर्किट वेन द पार्थ ऑफ द सर्किट इज क्लोज मीन्स सर्किट का पार्थ क्लोज है दैट मीन्स ये जो आपकी की है दिस इज ऑल्सो अ की एंड बेसिकली क्लास ये आपकी पूरे की है अब आपने की को क्लोज वे में किया की क्लोज वायर सारे आपस में कनेक्ट है बैटरी आप सेल आपने लगा दिया यहाँ पे हमने क्या लगाया सेल लगाया अब जब की हमने लगाई मतलब स्विच ऑन किया तो स्विच ऑन करने से क्या हुआ आपका करंट फ्लो कर रहा है पाथ पूरा कंप्लीट है क्लोज लूप बन गया आपका सो तो अल्टीमेटली क्या होगा जैसे ही आपने की स्विच ऑन किया तो अल्टीमेटली आपका बल्ब ग्लो करेगा सो व्हेन द पाथ ऑफ द सर्किट इज क्लोज एंड द की इज इंसर्टेड की इंसर्ट की हुई है दैट इज नोन एज स्विच ऑन है आपका देन द करंट फ्लो थ्रू इट इज नोन एज अ क्लोज सर्किट मीन्स आपका पूरा पाथ कंप्लीट है सारे कनेक्शंस प्रॉपर हुए हुए हैं वायर्स आपस में कनेक्ट हुई गई है की ऑन किया है बैटरी प्रॉपरली कनेक्ट की गई है या आपने सेल लिया तो सेल से वायर्स प्रॉपर्ली कनेक्ट की गई है तो अल्टीमेटली क्या होगा आपका करंट पूरी तरीके से एक क्लोज पाथ में ट्रैवल करेगा सो so अल्टीमेटली आपका वो क्लोज सर्किट बन जाएगा नाउ द नेक्स्ट वन इज एन ओपन सर्किट द नेक्स्ट वन इज एन ओपन सर्किट नाउ व्हाट इज़ एन ओपन सर्किट ओपन सर्किट में क्या होता है कि आपकी की ऑफ है मीन्स आपने की नहीं लगाई है मीन्स आपका स्विच ऑफ एंड अप्लाइंसिस वर्क नहीं कर रहे क्यों नहीं कर रहे सी अल्टीमेटली क्या हो रहा है क्लास यहाँ पे ये यह की है आपका या स्विच लगा लो आप कुछ भी लगा लो नाउ अल्टीमेटली ये वाला जंक्शन इससे कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे क्या हुआ करंट नहीं पास हुआ इस टर्मिनल से यहाँ पे जब इस पॉइंट पे करंट नहीं आया तो अल्टीमेटली ये करंट यहाँ पे वायर कनेक्टेड है जब ये वायर यहाँ पे कनेक्टेड है और यहाँ पे करंट नहीं आया तो अल्टीमेटली क्या होगा क्लास कि आपको करंट यहाँ पहुँचा नहीं और बल्ब ग्लो नहीं करेगा ठीक है तो दैट मीन्स ओपन वेन द पाथ ऑफ द सर्किट इज़ ओपन जब पाथ सर्किट का ओपन है और की इंसर्ट नहीं की गई है सो दैट इन दैट केस द करट डज नॉट फ्लो एंड उस केस में करंट फ्लो नहीं करेगा सो इट इज़ नोन एज एन ओपन सर्किट क्लियर क्लास सी वंस मोर सी ऑन दिस वन यहाँ पे आपको एक की है ये यह की यहाँ पे प्लग इन नहीं हुई हुई नहीं चिपकी हुई इसके साथ इसके साथ नहीं चिपकी तो दैट मीन्स तो जो करंट यहाँ से आ रहा है वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा जब करंट यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा तो अल्टीमेटली क्या होगा वो करंट यहाँ तक बल्ब तक नहीं पहुँचेगा और जब वो करंट बल्ब तक नहीं पहुँचेगा तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा दैट मीन्स वो क्या सर्किट हो गया ओपन सर्किट हो गया ओके तो वेन द पार्ट ऑफ द सर्किट इज ओपन सर्किट का पार्ट अगर ओपन है या की इंसर्ट नहीं की गई है इंसर्ट मतलब स्विच ऑफ है आपका देन द करंट इज नॉट फ्लो थ्रू इट करंट फ्लो नहीं करेगा वो सर्किट क्या कहलाएगा क्लास आपका ओपन सर्किट कहलाएगा ना अब हम कह रहे हैं कि सर्किट ऐसा है सर्किट ओपन है क्लोज है बट वो किसी मटीरियल के थ्रू ट्रांसफर कर रहा है करंट सो दैट मटीरियल्स आर ऑफ टू टाइप्स आइट द कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ मटीरियल आइट द कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स सो कंडक्टर्स का मतलब दो सब स्टांसिस दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम जो अपने में से करंट फ्लो होने की परमिशन दे दैट आर नोन एज कंडक्टर्स एग्जाम्पल मेटल्स ऑफ वाटर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ये आपको पता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये भी आपको पता है बट वॉट द कॉन्प्ट इज वाटर वाई वाटर इज नोन एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्लास बिकॉज वाटर क्या करता है आपके जो वाटर का फॉर्मूला होता है एच टू ओ वाटर का फार्मूला होता है क्लास एच टू ओ सी द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज एच टू ओ सो अल्टीमेटली ये एच टू ओ यहाँ दो पार्ट्स में स्प्लिट कर जाएगा H प्लस

ओके एग्जाम्पल मेटल्स एंड वाटर मेटल्स में सिल्वर गोल्ड कॉपर स्टील एंड वाटर इज यूर सी वाटर नाउ द नेक्स्ट वन इज इंसुलेटर्स इंसुलेटर्स आर जस्ट अपोजिट ऑफ कंडक्टर्स दैट मीन्स डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम ये अपने में से करंट को पास होने की परमिशन नहीं देंगे एग्जाम्पल ग्लास वुड और ऑयल आपने देखा है जो आप ग्लास लेते हो वो करंट पास होने की परमिशन नहीं देते रबर टायर्स हैं वो करंट वो करंट पास होने की परमिशन नहीं देते डायमंड है ड्राई वुड है वो अपने में से करंट पास करने की परमिशन नहीं देते सो दैट मीन्स दे आर इंसुलेटर्स विच डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम। सो वॉट वी हैव स्टडीड इज व्हाट आर करेंट्स वॉट आर टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ सर्किट्स कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू नीड टू आंसर इज दैट आपको एक पिक्चर दी गई है यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ये जो सर्किट आपको दिखा रहे हैं ऊपर वाला क्लोज है नीचे वाला ओपन है तो यहाँ पे ये ओपन और क्लोज क्यों है आपको ये जस्टिफाई करना है कि ऊपर वाला क्लोज सर्किट क्यों है और नीचे वाला ओपन सर्किट क्यों है ओके क्लास आई होप दिस कंटेंट इज़ क्लियर टू यू एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी बट प्लीज़ मेक श्योर यू जस्ट कॉपी ऑल द कंटेंट्स केयरफुली वर्ड टू वर्ड एंड